इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, रफेल डील को लेकर फ्रांस की ओर से भले ही खंडन कर दिया गया हो कि राहुल गांधी से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन रफेल को लेकर अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है, मैंने गलत नहीं कहा, फ्रांस को खंडन करना है तो वो करे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे कहा दाम बताने पर रोक नहीं है। और जब ये बातचीत हो रही थी, दो नेता हमारे साथ थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और आनंद शर्मा। ये बड़ी जानकारी दी गई है राहुल गांधी की ओर से, अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, और क्या कुछ कहा गया है राहुल गांधी की ओर से? लोकसभा की लॉबी से सदन से निकल रहे थे तो हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका कहना था कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसे स्टैंड बाय करता हूं, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मेरे सामने उन्होंने जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ अपनी मुलाकात का दावा सदन में अपने भाषण के दौरान किया था उसी को दोहराया, और उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं था उस बैठक के अंदर, उसमें पूर्व विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे उस बैठक के अंदर थे, और मैं स्टैंड बाय करता हूं जो मैंने कहा। अगर सरकार इसका खंडन करती है तो उन्हें खंडन करने दीजिए। तो इन्हें एक तरीके से राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है, राहुल गांधी ने अपना बयान दोहराया है, और उन्होंने कहा, उन्होंने जो दावा किया था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि कोई सीक्रेसी पैक्ट ऐसा नहीं हुआ जो सरकार को हाथ बांधता हो, राफेल डील में विमानों की कीमत बताने से उन्होंने उस अपने बयान को भी दोहराया। हालांकि इस बीच में बीजेपी की तरफ से प्रहलाद जोशी ने मूव किया है, प्रिविलेज नोटिस दिया है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो भी दावे किए, क्योंकि उन्हें तथ्य नहीं थे उसके अंदर, ना सब्सटेंशियटी प्रूफ उन्होंने हाउस में टेबल पे रखे हैं, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस वक्त राहुल गांधी राफेल डील को अपनी बात रख रहे थे सदन के पटल पर, उसी दौरान सुमित्रा महाजन स्पीकर की ओर से मना भी किया गया कि इस तरह की जानकारी वो सदन के अंदर नहीं दे, क्योंकि उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति तो सदन में मौजूद है नहीं। फिलहाल फ्रांस ने कर दिया है खंडन, उसके बावजूद एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।